इस हैदराबाद का और बाबा साहब का क्या संबंध था वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट्स में जब पढ़ रहा था और भारत के सिक्योरिटी का सवाल जब आया, तब उन्होंने कहा कि भारत को एक और कैपिटल होने की जरूरत है, एक और कैपिटल होने की जरूरत है। और जब उनसे पूछा गया कि दूसरा कैपिटल का होना चाहिए, तब उन्होंने हैदराबाद सिटी का नाम लेके कहा कि सेकेंड कैपिटल जो है वह हैदराबाद में होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर से दिल्ली जो है वो 300 किलोमीटर, चाइना की बॉर्डर से दिल्ली हम लोग देखा जाए तो 500 किलोमीटर बॉर्डर है। और इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक हम लोग दूसरा कैपिटल बनाते नहीं, तब तक जो है हम लोग सुखरूप है, वी आर सिक्योर्ड, ये नहीं हो सकता। और इसलिए उन्होंने जो है वो हैदराबाद को सेकेंड कैपिटल होने की मांग की थी, उस वक्त पूरी नहीं हुई। शायद मेरे ख्याल से तेलंगाना दोबारा इसको मांग करेगा तो सेकेंड कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो हैदराबाद यहां पर बन सकता है, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं एक आखिरी सवाल यहां पे कहूंगा, क्योंकि वो आज सबसे बड़ा इशू बन चुका है।